So, all you need is Kajal, eyeshadow brush, smudging brush, or mascara. That's it. तो यार ये वाला जो आई मेकअप है ना ये एवरी डे के लिए है और बहुत सॉफ्ट रखेंगे इसको दो स्टेप्स में ही ख़त्म हो जाएगा काजल लगा लिया आपने इसको आप स्मज करो स्मजिंग आपने अच्छे से करनी है और मैंने ऑलरेडी कंसीलर लगाया हुआ है तो ईजीली हो रही है थोड़ा क्रीम मिक्स हो रहा है उससे तो बहुत ईजिली स्मजिंग हो रही है आ, उसके बाद आपने दोबारा से काजल अप्लाई करना है जितना इंटेंस और आपको डार्क चाहिए दो हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहे हैं बट जैसे जैसे स्मजिंग होती है तो वो बहुत लाइट होता जाता है तो दो तीन बार तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा मैंने तीन बार काजल अप्लाई किया था और तीनों बार उसको बहुत अच्छे से स्मज कर लिया था स्मजिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर उसके बाद आपने एक क्लीन ब्रश लेना है अब इस ब्रश का जो काम है वो है जो अन ईवन हमारा स्मज हुआ है ना काजल उसको हमने इवनली स्प्रेड करना है अब क्योंकि ये खाली ब्रश है तो बहुत इजीली ये स्प्रेड होता है और बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता है बहुत ज्यादा काली नहीं होती है हमारी आईज अब इससे ज्यादा इसको हम डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये एवरीडे लुक है और डे टाइम का है तो हमें स्मोकी आई वाला लुक जो है ना वो मिल गया है बस अब वाटर लाइन पे मैं काजल लगा लूंगी काजल जो मैं लगा रही हूँ थोड़ा अच्छे से लगा रही हूँ सो दैट जब मैं उसको स्मज करूँ तो बिल्कुल ही गायब नहीं हो जाए थोड़ा थोड़ा सा स्मोकी आई जो सॉफ्ट लुक है वो आ जाए इसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया है मस्कारा जो आप नॉर्मली आप कोई भी मस्कारा जो लगाते हो वो अप्लाई कर लेना अच्छा ये वाला जो स्टेप है ये ऑप्शनल है मैंने बस हल्का सा आउटलाइन कर लिया है आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा एंड दिस इज फाइनल लुक अच्छा ये लुक जो है ना ये तब भी काम करता है जब आपके पास टाइम ना हो कि आप आई लाइनर की शेप बनाओ विंग लाइनर बनाओ तो अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से काजल लगाओ स्मच करो और स्मोकी आई जो है आपका कंप्लीट हो गया तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना बाय बाय